हेलो एवरीवन। तो कल यूएस मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, काफी अच्छी बुलिश मार्केट थी। तो अगर आप एसजीएक्स निफ्टी भी देखेंगे तो वो दिखा रहा है 18,068 फ्यूचर, और मैक्सिमम चांसेस है कि हमारी मार्केट गैप अप खुलने वाली है। तो अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुला तो सबसे बड़ा पहले डाउट आता है कि यार क्या मार्केट वो गैप अप सस्टेन करेगी या फिर नीचे आ जाएगी। तो उसकी बात भी करेंगे, गैप अप सस्टेन होगा या नहीं होगा, कहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं, डिटेल में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी काफी हद तक बुलिश है। अगर आप देखेंगे कल का स्ट्रक्चर तो उसने जो पिछला स्विंग हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया, और चांस लग रहे हैं कि 60-70 पॉइंट, 50-60 पॉइंट मार्केट गैप अप हो सकते हैं। रेस्ट जब मार्केट खुलेगी तभी पता चलेगा, लेकिन रफली अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 60-70 पॉइंट मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप खोल सकती है। तो अब अगर मैं आगे देखूं कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस आ रही है। ये देखिए, लुक एट दिस लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, ये दो लेवल्स, इन दोनों को कनेक्ट करके हमारे पास एक ये थर्ड हो गया। तो ये बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस आ रही है। मे भी हो सकता है आज मार्केट इसके पास ना आए, क्योंकि अगर यहाँ से 50-60 पॉइंट खुला भी गैप अप तो वो 970-980 के पास आसपास मार्केट खुल सकते हैं। ये रेजिस्टेंस आपको आज या फिर आने वाले दिनों में जब भी मार्केट इसके पास आएगी तो काफी अच्छी मूव मिलने वाली है आपको फॉल साइड की, डेफिनेटली सेल साइड की। सेकेंड, अगर मैं और लेवल्स देखूँ यहाँ पे तो एक ये लेवल है मेरे पास, विच इज अ माइनर लेवल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेरे पास ये सपोर्ट का लेवल है। अब मैंने डेली लेवल मार्क किए हैं जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे हमारे, अब देखेंगे कैसे हम उनके ऊपर काम करेंगे। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो मार्केट की ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई 923 के आसपास। अब एक ये लेवल जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, विच इज 18,000 लेवल, जो कि एक राउंड ऑफ नंबर है, एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं मार्केट में। तो अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप खुला तो, लेट्स सपोज मार्केट गैप अप खुला और इट ओपन नियरली अराउंड 70-80 के आसपास खुलेगा यहाँ पे। तो अब डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे चल रही है। अगर 70-80 के आसपास खुला, वापस आया इस लेवल तक, यहाँ पे कहीं आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ से सीधा जाना स्टार्ट होगा तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, बाइंग करूंगा 18,000 के ऊपर। अगर मार्केट 18,000 के क्रॉस कर जाएगा, अगर 18,000 से रिजेक्शन आती हुई दिखी मुझे, तो मैं स्काल्पिंग का सेल भी प्लान कर सकता हूँ। अब स्काल्पिंग और इंट्राडे में फर्क क्या होता है कि स्काल्पिंग हम कुछ सेकंड के लिए ट्रेड रखते हैं, तो अगर मैं यहाँ से प्लान करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नियरली 5-7 पॉइंट्स का ऑप्शन में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में सॉरी, 18,000 की पोर्ट में, और टारगेट एक्सपेक्टेड होगा कि 15-20 पॉइंट्स मुझे मिल जाए। बाइंग करूंगा आइदर ऑन दिस लेवल, यहाँ पे आएगी तो बाय करेंगे, या फिर अगर 18,000 को क्रॉस किया, सस्टेन किया कुछ टाइम के लिए, फिर मैं बाइंग करके बैठूंगा, क्योंकि इजीली फिर 4,000 हाई की मार्केट यहां तक आ सकती है। और ये लेवल अगर आज आया या आने वाले किसी भी दिन आया तो आपको बहुत ही अच्छी सेल की ट्रेड मिलने वाले है यहाँ से। मीन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली 30-40% रिटर्न। मतलब अगर आप 100 रुपीज की कॉल बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे सॉरी, तो आपको इजिली 30-40 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। इवन आप पुट को बाय करके उसको ओवरनाइट कैरी भी कर सकते हैं इस लेवल से। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेवल है। बॉटम साइड पे ये वाला लेवल है जो सपोर्ट का काम करेगा, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं आ जाने के, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड काफी हद तक बुलिश है, तो लीस्ट चांस है कि यहाँ तक आएगी। सेलिंग अगर आपको करनी है, रिस्की होगी, तो आप इस लेवल से नीचे सोच सकते हैं सेलिंग करने का। या तो इस यहाँ से अगर यू टर्न मारेंगे तब सेलिंग करेंगे, यहाँ से यू टर्न करेंगे तब सेलिंग करेंगे, या फिर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे रुकेंगे ना, तब भी सेलिंग करने का फायदा है। अदरवाइज आप ये सोच सकते हैं कि सेलिंग अवॉइड कीजिए, या फिर अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो अपना टारगेट छोटा रखिए उसमें। अब देखते हैं ऑप्शन चेन कैसी है। अगर मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखो एज इट इज, आपको पता है आज फ्राइडे है तो ज्यादा क्लियरिटी तो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप बिल्डअप देखेंगे ना निफ्टी में, 18 लाख, 30 लाख, 15 लाख, यहाँ पे बिल्डअप बहुत ज्यादा है, 48 लाख, 21 लाख, 32 लाख। तो कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। प्लस अगर आप प्रीमियम्स देखेंगे ना, प्रीमियम बहुत ही ज्यादा कम है। लुक एट दिस प्रीमियम, जो एटीएम के आसपास का प्रीमियम 100 और एक स्टेप आगे 80, विच इज वेरी लेस प्रीमियम। तो प्रीमियम कम होने का क्या फायदा होता है, देयर आर टू बेनिफिट्स। वन, अगर आप एक ऑप्शन बाय ना तो आपको चीज सस्ती मिल रही है, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर यू। तो अगर आपको ऑप्शन सस्ती मिल रही है, टाइम डिके आने के कम चांसेस है, बहुत कम टाइम डिके आएगा अगर आएगा भी तो। सेकेंड,
आपको जो बेनिफिट होगा वो ये है कि कम प्रीमियम वाले दिन मार्केट काफी अच्छी वॉलेटाइल रहती है, तो वॉलेटाइलिटी आ गई और ऑप्शन प्रीमियम कम है, दोनों ही आपके लिए ऑप्शन बायस के लिए बेनिफिशियल है। ऑप्शन सेलर्स प्लीज थोड़ा दूर रहे मार्केट से, बिकॉज मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है और बहुत ज्यादा रिस्की होगा। अगर मार्केट एक स्पाइक मारा तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो नियरली अराउंड ये 100 to 150 पॉइंट्स ऊपर खुल सकता है। अगर निफ्टी गैप अप हुआ तो डेफिनेट चांसेस आ रहा है कि बैंक निफ्टी भी गैप अप होगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ज्यादा बुलिश चल रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर आप देखेंगे निफ्टी कहीं ना कहीं इस एरिया में चल रहा है अभी, लेकिन बैंक निफ्टी उससे काफी ऊपर है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। अब बैंक निफ्टी में उतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, टू बी वेरी फ्रेंक, ये एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मार्केट आज गैप अप खुल गया तो मेनली चांसेस यही लग रहा है कि इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर देगा। तो एक तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ब्रेक होने के चांसेस है। अब ये एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये एक स्विंग हाई बना हुआ है, इसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ठीक ठाक लेवल है। और उसके ऊपर तो ये वाला लाइफ टाइम हाई वाला लेवल आ जाएगा मेरा। बॉटम साइड पे अगर मैं जाऊंगा तो ये जो पीछे वाला स्विंग हाई बना हुआ था इसको मैं एज अ सपोर्ट मान के चलूंगा, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था, है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिपेंड करते हैं मार्केट कैसे खुलेगी। अगर मार्केट ने 100 या 150 पॉइंट ऊपर खुली और सस्टेन किया, फिर ये रेजिस्टेंस थोड़ी ना रहेगा, वो कोई सपोर्ट बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो 15 मिनट में अगर आप देखेंगे ना, काफी अच्छा ट्रेंड चल रहा है यहाँ से भी, बहुत ही अच्छा ट्रेंड में मार्केट। आप इस ट्रेंड लाइन का ध्यान भी रख सकते हैं, इसको आगे तक खींच लेते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट चल रही है, तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलेगी तो तब तक तो सेलिंग करना बड़ा रिस्की होगा। तो अगर यहाँ से मार्केट 100 150 पॉइंट्स ऊपर खुला तो आपको ये लेवल ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके वो जो प्रीवियस स्किल्स हैं वो यूज होंगे। अब आपका एनालिसिस मैटर करता है कि आपको कैसा दिख रहे हैं मार्केट यहाँ पे। अब इसके नीचे खुला, यहाँ पे कहीं खुली मार्केट, फिर तो डेफिनेटली ये लेवल एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा करेगा, फिर चांसेस आर हाई। थोड़ा मॉर्निंग में खुलते ही मार्केट अग्रेसिवली ट्रेड मत लेना इस लेवल के साथ, क्योंकि कभी कभी एकदम से स्पाइक चली जाती है, पता ही नहीं चलेगा, कभी कभी तो एंट्री नहीं हो पाती हमारी। थोड़ा कॉन्शियसली ट्रेड करना, ज्यादा जल्दी मत करना, लेकिन आएगी मुझे लगता है मॉर्निंग में खुलती ट्रेड, तो कॉन्शियसली ट्रेड करना। अगर नीचे खुला तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर तो यहाँ से सेलिंग का प्लान बनता है। अगर ऐसे ऊपर खुली मार्केट और थोड़ा टाइम रुक के आई, आराम से आई नीचे, या फिर इससे ऊपर खुली, ऊपर गई फिर नीचे आएगी, फिर यही लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। दो चीजें हैं, अगर इससे नीचे खुला तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर इससे ऊपर खुली और थोड़ा रुक के आई, या फिर इससे ऊपर खुल के थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे आएगी, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर खुलती अग्रेसिवली नीचे आ गई फिर डेफिनेटली ये मार्केट नीचे आ जाएगी इससे। तो आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे अपने स्किल यूज करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसा है, कैसी कैंडल्स बन रही है, कैसा वॉल्यूम है, ऑप्शन चेन डाटा, फ्यूचर डाटा क्या कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। यही लेवल इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में खुलते ही मार्केट में, ये आपको काफी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। अगर आपको लगे नहीं समझ आ रहा मॉर्निंग में तो थोड़ा टाइम दे देना मार्केट को, तो मार्केट डिसाइड कर लेगी। अगर इसको नीचे जाना होगा तो अच्छे से नीचे जाएगी, आपको ट्रेंड लाइन, आप यहाँ पे वेट करेंगे ना तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी और आप सेफ भी हो जाएंगे। अगर ऊपर जाना होगा तो सस्टेन हो लेने दीजिए, अगर ऊपर गई भी थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेसमेंट करेगी वहां पे एंट्री कर लेगी, क्योंकि अगर ऊपर जाएगी तो काफी स्पेस है। लुक एट दिस, 500 पॉइंट्स की स्पेस है, तो 10, 20, 30, 50 पॉइंट मिस हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 50 पॉइंट 100 पॉइंट मिस भी हो गए ना, फिर भी 400 पॉइंट्स बाकी है, और 400 इज अ गुड नंबर। आपको जो ऑप्शन होगी ना, वैसे मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में आ जाएगा, बट स्टिल अगर आप 43,000 की कॉल बाय करेंगे तो मोर देन डबल हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की कॉल है, तो मोर देन डबल हो जाएगी इजिली अगर मार्केट 5 मिनट तक चला गया। तो सेलिंग आप कर सकते हैं यहाँ से, ट्रेंड लाइन के नीचे भी कर सकते हैं, और अभी कोई आसपास लेवल नहीं है, यहाँ पे एक लेवल है, चांसेस आर वेरी रेयर कि मार्केट इतनी नीचे आएगी। अगर आई तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाइंग प्लान करूंगा। अब बहुत ऊपर लेवल है नेक्स्ट लेवल, तो चांसेस आर वेरी रेयर कि एक दिन में इतना भी ऊपर चली जाएगी, बट अगर फिर भी गई तो यहाँ से मैं पहले तो एक स्काल्पिंग का सेल प्लान करूंगा, बड़े अच्छे से सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि इतना अगर मार्केट ऊपर आएगी भी ना तो देखिए कितना जोर लगेगा बायर्स का, 500 पॉइंट्स ऊपर लेके आने में कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ से चांसेस फिर रिवर्सल के ही ज्यादा होंगे, ब्रेकआउट के बहुत कम चांसेस होंगे, तो मैं यहाँ से सेल नहीं प्लान करूंगा। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या करे बैंक निफ्टी की।
तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे यहाँ पे 11 लाख का बिल्डअप, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 3 लाख, यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्डअप थोड़ा ज्यादा है। बट मोर ओवर आज फ्राइडे की ऑप्शन चेन है तो ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें, प्रीमियम्स बहुत कम है। अगर आप जनरली देखते हैं ऑप्शन चेन को, ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रीमियम रहता है एटीएम के ऑप्शन का, वो होता है अराउंड 350-400 के आसपास, 350-370-400। लेकिन आज जो प्रीमियम है वो है 250-290, विच इज वेरी लेस। तो ये दोनों चीजें आपको मैंने पहले बताया, जैसे लेस प्रीमियम आपके लिए ऑप्शन बाय, एज अ ऑप्शन बाय अच्छी बात है, कम प्रीमियम होगा, सेकेंड मार्केट में एक बड़ी मूव आने के चांसेस होते हैं। तो दोनों चीजें आपके फेवर में, तो कॉन्शियसली ट्रेड कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय।